बहुत एक कमीने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Bastard. हाँ भाई साहब, धोखा स्वभाव है मेरा और भरोसा मेरा। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे आमिर खान की एक्शन एडवेंचर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म का बजट, स्क्रीन काउंट, स्टार कास्ट और रिटर्न फ्लॉप के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी की स्क्रीन के बारे में। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी को 5,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग के बारे में तो इस फिल्म को 4 की रेटिंग हासिल है। इस फिल्म में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, फातिमा सना से कैटरीना कैफ लीड रोल एंड सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। गाइस, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी को विजय कृष्ण आचार्य ने डायरेक्ट किया था। वहीं बात करें इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी को यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया था और ये फिल्म 8 नवंबर 2018 को दीपावली के मौके पर रिलीज हुई थी। अब चलते हैं इस फिल्म के कलेक्शन की तरफ। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी ने अपने पहले दिन 52,25,00,000 की ओपनिंग की थी। वहीं बात करें इस फिल्म के शुरुआती 3 दिन के कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म का शुरुआती 3 दिन का कलेक्शन हुआ 123 करोड़ रुपए। इस फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 140 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। दूसरे सप्ताह कलेक्शन हुआ था 9 करोड़ 2 लाख और तीसरे सप्ताह कलेक्शन हुआ था 1 करोड़ 62 लाख। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी के चौथे सप्ताह में काफी गिरावट देखने को मिली और इस फिल्म का चौथे सप्ताह कलेक्शन हुआ था 12 लाख, पांचवे सप्ताह कलेक्शन हुआ था 3 लाख। इस फिल्म का लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 151 करोड़ 19 लाख रुपए हुआ था। वहीं बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ था 322 करोड़ 7 लाख। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी का बजट 220 करोड़ और बैठ को देखते एक फ्लॉप कलेक्शन है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए और सभी फिल्मों का कलेक्शन जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल द बॉलीवुडर पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।